कल रात को एक खड़ी साइकिल को मेरे ड्राइवर ने ठोक दिया। साइकिल वाला पुलिस स्टेशन लेके गया। ये डिसिप्लिन के लिए नहीं था, ये इसके लिए था गवर्नमेंट अपना रेवेन्यू जनरेट करे, लोगों को परेशान करे और लोग मरते रहे। मैं ये वीडियो इसके लिए बना रहा हूँ कि मैं फ्रस्ट्रेटेड हूँ। नमस्कार, ट्रांसपोर्ट टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूँ असलम कुरैशी, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। साइकिल से टकराया ट्रक तो हो गई सेटलमेंट, लेकिन पुलिस वालों के हाथ में हुई खुजली कैसे मिटाई, देखिए आज की ब्रेकिंग न्यूज में। जी हाँ दोस्तों, ये बात तो आप जानते हैं कि अगर कहीं एक्सीडेंट हुआ और बड़ी गाड़ी का छोटी गाड़ी से हुआ तो गलती बड़ी गाड़ी की, मोटरसाइकिल से साइकिल टकराएगी तो गलती मोटरसाइकिल की, मोटरसाइकिल से कार टकराएगी तो गलती कार वाले की, कार से ट्रक टकराएगा तो गलती ट्रक वाले की। जी हाँ, ये धारणा आम हो चुकी है कि कुछ भी हुआ तो मारा जाएगा बड़ी गाड़ी वाला, चाहे किसी की भी गलती हो, चाहे कोई कहीं से रॉन्ग साइड आ गया हो, कुछ हो, लेकिन अगर टक्कर हुई तो फंसेगा बड़ी गाड़ी वाला। ऐसा ही कुछ हुआ है इस घटना में भी, जिसे विस्तार से गाड़ी मालिक ने बताया है कि उनके साथ क्या क्या हुआ, कैसे एक छोटी सी घटना के बाद उनका शोषण हुआ, जबकि सेटलमेंट हो गई थी जिसके साथ टक्कर हुई उसकी, फिर भी गाड़ी मालिक और ड्राइवर को परेशान होना पड़ा। किसकी वजह से? पुलिस कर्मियों की वजह से। जी हाँ, वो पुलिस कर्मी जिसकी वजह से कहीं ना कहीं सुरक्षा महसूस करनी चाहिए जनता को, ड्राइवर को, रोड पर चलते लोगों को, लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हो गया। सुनिए पहले गाड़ी मालिक की एक एक बात, ध्यान से सुनिएगा क्या कह रहे हैं, फिर बताते हैं कि कहाँ क्या क्या हुआ। आज मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि मीरा भाईंदर पुलिस में कैसा करप्शन चलता है। और सिंस कल रात को एक खड़ी साइकिल को मेरे ड्राइवर ने ठोक दिया। साइकिल वाला पुलिस स्टेशन लेके गया। पुलिस स्टेशन लेके जाने के बाद उसने चाबी निकाल के पुलिस स्टेशन में जमा कर दिया। जमा करने के बाद पुलिस वाले ने डॉक्यूमेंट मांगा, ड्राइवर ने डॉक्यूमेंट दिखाया। फिर उसके बाद साइकिल वाले को बोला, उन्होंने बोला कि साइकिल वाले से सेटल कर लो। वो साइकिल वाले से सेटल कर लिया, मात्र 2,000 रुपये, 1,500 या 2,000 रुपये। उसके बाद नया नगर पुलिस स्टेशन, मेरा भाईंदर का नया MBVV का नया नगर पुलिस स्टेशन, उन्होंने क्या किया, उस ड्राइवर को बोला कि अब तुमने सेटल कर लिया तो अब हमको 5,000 रुपये दो। नया नगर पुलिस स्टेशन में इतना करप्शन चलता है। 5,000 रुपया मांगा, जब ड्राइवर ने नहीं दिया, बोला सर मैं 5,000 रुपया क्यों दूँ जब मैं सेटल कर लिया बाहर, तो वो बोलता है कि ठीक है तू गाड़ी का पेपर लेके आ, मैं तेरे को एक छोटा सा लिख के तेरे को गाड़ी छोड़ दूंगा। ड्राइवर ने गाड़ी का पेपर वहाँ पर रात को 1 बजे ऑफिस में आके लिया और ऑफिस में आके लिया, लेके गया, वहाँ जमा किया। फिर उसने क्या बोला, एक काम कर, अभी रात हो गई है, कल सवेरे आना, कल सवेरे तेरे को दे दूंगा मैं तेरा गाड़ी हैंड ओवर कर। फिर क्या हुआ, वो रात को 1:30 बजे एक प्रकाश महुआ पे, ट्रैफिक कॉन्स्टेबल है मीरा भाईंदर काशी मीरा ऑफिस का, उसका प्रकाश महुआ पे नाम है, PC है, और उसने रात को 2 बजे फाइन मारा उस पर। कितना फाइन मारा, 3 सेक्शन मारा, फेल टू प्रोड्यूस, 0 फाइन दिख रहा है उसमें, सेंड टू कोर्ट, 0 फाइन दिख रहा है, सेंड टू कोर्ट, फेल टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट, ठीक है, फेल 184 लगाया है और एक कलम लगाया है, 3 कलम लगा के उसको ड्राइवर को बोला कि अभी तुमको ये फाइन भरना ही पड़ेगा। अरे ये मैटर किसका है और ये किसको दिया है, मंगेश कड़े नाम था नया नगर के इंस्पेक्टर का। आप ये सोचो कि एक ड्राइवर गरीब आदमी 7,000 रुपये कहाँ से लाएगा। चलो उसने ठोक के सेटल कर लिया, आपका काम था न्याय देने का, आपने न्याय दिया है क्या? आपने न्याय बिल्कुल नहीं दिया, आपने उसको परेशान किया। और रात को बेचारा रात भर गाड़ी में सोने का कोशिश किया, उसको सोने नहीं मिला, उसको सवेरे आज तक गाड़ी कोर्ट के अंदर खड़ी है, उनके यार्ड में खड़ी है ट्रैफिक कॉन्स्टेबल में। और प्रकाश हेंगोले साहब को मिला हम लोगों ने, हारनोड साहब नाम था उनका, CP ऑफिस गए, CP ऑफिस में CP तो थे ही नहीं, 3 से 5 तक का टाइम था, तो जब अपॉइंटमेंट लेने गए तो वो बोले कि भाई नहीं है। तो किसके पास जाने का, मेरे को यही समझ में नहीं आता है। और ये MBVV पुलिस के आड़ में हो रहा है सब चीज़, और जबकि ट्रैफिक वाला ही हमको दूसरा ट्रैफिक कॉन्स्टेबल हमको सिखा रहा है, अरे तुमको उस टाइम पे देख के रफा दफा करना चाहिए। अरे 5,000 रुपया कमाने के लिए एक ड्राइवर को 3 दिन अपना दिमाग खराब करना पड़ता है। ये मीरा भाईंदर पुलिस का हालत है। मंगेश कड़े नाम था इंस्पेक्टर का, नया नगर पुलिस इंस्पेक्टर का। अरे एक साइकिल का एक्सीडेंट हुआ है, कोई बड़ा मेजर एक्सीडेंट होता तो बात अलग था,
कि आप उसको परेशान कर रहे हो, ठीक है उसका पेपर नहीं है, ये नहीं है, सब पेपर होने के बावजूद आपने उससे 5,000 रुपये मांगा, तो कहाँ से ला के देगा। तो ये मेरा सब लोगों से जो निवेदन है कि आप ये सोचो इसको, इसकी बात में, कि अगर एक ड्राइवर 5,000 रुपया एक पुलिस वाले को देगा तो वो कमाएगा क्या? मालिक अपनी जेब से नहीं देगा, क्योंकि मालिक खुद बोलता है भाई, मालिक का कहाँ से पैसा लाएगा, वो खुद बेचारा डूबा रहता है ईएमआई टैक्स इंश्योरेंस में। ये हालत है मीरा भाईंदर पुलिस की। तो कृपया अगर कोई इसको वीडियो को देख रहा है तो इसको संज्ञान ले और इसको आगे से आगे शेयर करे। मैं सब दरवाजे खटखटा चुका हूँ, सीपी ऑफिस, ट्रैफिक, काशी मेरा ट्रैफिक पुलिस गया था, वहाँ पर भी कोई सुनवाई नहीं हुआ, बोला ऑनलाइन चलान हो गया, मैं कुछ नहीं कर। मगर वो प्रकाश मोहापे ने रात को फाइन मारा कैसे? कोई अगर पीसी ने फाइन मारा तो उसको ये बेस समझ में आना चाहिए कि वो फाइन मारेगा क्यों, किसी के इंस्पेक्टर के बोलने पे फाइन मार देगा? अगर वो इंस्पेक्टर है उसके बोलने पे फाइन मार देगा? ऐसा कैसा, ये कौन सा कानून है, क्या व्यवस्था है, मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। 7,000 रुपये आदमी के चले जा रहे। तो कृपया करके भाई, बहुत करप्शन है। कितना पब्लिक के आड़ में करप्शन हो जाता है किसी को कुछ पता नहीं चलता, और पब्लिक को क्या लगता है सब अच्छा है, कुछ अच्छा नहीं है। मैं ये वीडियो इसके लिए बना रहा हूँ कि मैं फ्रस्ट्रेटेड हूँ, ये 7,000 रुपये के फाइन से ना फ्रस्ट्रेटेड हूँ। इतनी बड़े बड़े फाइन, बाप रे बाप, वो ड्राइवर लाएगा कहाँ से? ये लोग डिसिप्लिन नहीं कर रहे हैं। अगर ये डिसिप्लिन के लिए होता तो आज ये थोड़ी नौबत आती थी। ये डिसिप्लिन के लिए नहीं था, ये इसके लिए था कि इन्होंने इतना फाइन बना के गवर्नमेंट अपना रेवेन्यू जनरेट करे, लोगों को परेशान करे, और लोग मरते रहें ऐसी, और लोग मरते रहेंगे, लोग मरते ही रहेंगे, कुछ नहीं होने वाला। धन्यवाद। सुन लिया आपने, ये घटना है मीरा भाईंदर थाने डिस्ट्रिक्ट की। माइनर सा एक्सीडेंट हुआ है, साइकिल खड़ी थी, ट्रक जा रहा था, साइकिल गिर गई। किसी को कोई चोट नहीं आई, कोई हताश नहीं हुआ, साइड में टच होने की वजह से ऐसा हुआ। चलिए, इसको लेकर साइकिल वाले ने हो हल्ला किया, पुलिस वाले आए, साइकिल वाले से सेटलमेंट हो गई, यानी साइकिल वाले ने ट्रक ड्राइवर से सेटलमेंट कर ली, 2,000 रुपए ड्राइवर ने वहां भर दिए। अब यहाँ पर काम खत्म हो जाना चाहिए, दोनों को अपने अपने घर हो जाना चाहिए, किसी को कोई आपत्ति थी ही नहीं। लेकिन अभी कहाँ, खुजली तो हुई थी पुलिस वालों के हाथ में कि अरे ये सेटलमेंट हो गई, बड़ी आसानी से हो गई, हमारा क्या होगा? शायद ऐसा ही कुछ सोच लिया होगा, ऐसे ही कुछ आरोप यहाँ पर ये गाड़ी मालिक लगा रहे हैं। जी हाँ, इनका कहना है कि ड्राइवर के साथ सेटलमेंट हो गई, पैसे दे दिए, साइकिल वाला चला गया, लेकिन जब बात आई हमें छोड़ने की या गाड़ी छोड़ने की, तो पुलिस वालों का कहना था कि भैया 5,000 रुपए लगेंगे। ये आरोप लग रहे हैं कि 5,000 रुपए पुलिस वालों ने मांगे। जी हाँ, और जब 5,000 नहीं दिए तो ड्राइवर को कहा गया कि जरा अपनी गाड़ी से कागज लाइए, फिर आपकी गाड़ी छोड़ते हैं। कागज मंगवा लिए गए, कागज मंगवाने के बाद कहा कि सुबह आइए, फिर आपकी गाड़ी छोड़ेंगे। अब वो सुबह आया तो चालान कर दिया गया। जी हाँ, चालान हाथ में थमा दिया गया। गलती क्या थी, आरोप क्या लगाए, कुछ मालूम नहीं, बस कर दिया गया चालान कि जाइए और कोर्ट से छुड़वाइए। फिर क्या हुआ वो भी बताएंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, ट्रांसपोर्ट टीवी आपके लिए लाया है ट्रांसपोर्ट मॉल से बीमा करवाने पर 5,00,000 का एक्सीडेंटल बीमा फ्री। अधिक जानकारी के लिए अभी व्हाट्सएप करें 9831 9831 पर। जी हाँ दोस्तों, ये सब हुआ सेटलमेंट हो जाने के बाद, जबकि कोई ऐसा रोल बनता ही नहीं है। गाड़ी मालिक जिन्होंने इसके बाद तफ्तीश भी की, पूरी जानकारी ली कि क्या कुछ ऐसा होता है कि सेटलमेंट हो जाए, जिनके आपस में समझौते होने हैं वो हो गए, किसी को कोई आपत्ति नहीं है, तो क्या उसके बाद चालान किया जा सकता है? वकील से, बड़े बड़े अधिकारियों से उन्होंने पूछताछ कर ली, तो उन्हें यही पता चला कि आज तक तो ऐसा नहीं सुना भाई, तो फिर यहाँ क्या हो रहा है? इसी बात को लेकर गाड़ी मालिक ने उन्हें भ्रष्ट कहा है 3-4 बार, भ्रष्ट 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 कहा कि इतना भ्रष्टाचार कि बेवजह किसी को परेशान किया जा रहा है, शोषण किया जा रहा है। गाड़ी मालिक दर बदर भटकते रहे कि ये भ्रष्टाचार कहां से खत्म हो, कहीं से तो इंसाफ मिले, लेकिन उन्हें इंसाफ नहीं मिला। वो भागते रहे, आखिरकार वो पैसे देकर ही गाड़ी लेकर आए। खाम खाम में उनका शोषण हुआ, जगह जगह उन्होंने इसके ऊपर चर्चा की, बात की, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। जिन्होंने चालान किया उन्होंने आराम से चालान कर दिया, आखिरकार इनका शोषण हुआ और इन्होंने चालान भर दिया। अब इतना परेशान होने के बाद इन्होंने ट्रांसपोर्ट टीवी से संपर्क किया कि शायद कहीं कोई बात बन जाए। ट्रांसपोर्ट टीवी से संपर्क करने के बाद अपनी पूरी बात बताई, हमें जानकारी हुई, तो हमने भी इन्हें सलाह दी कि अगर आप कुछ करना ही चाहते हैं तो आप एक काम करिए, महाराष्ट्र की ई चालान ग्रीवियांस पे जाकर अपनी सारी बात लिखिए
कोई ना कोई हल जरूर निकले। लेकिन अब ये वीडियो सामने आई है तो कहीं ना कहीं काला सच भी सामने आया है और इस भ्रष्टाचार के रूप का भी पर्दा साफ हुआ है कि कैसे अपनी खुजली को, वो खुजली यानी पैसे वाली खुजली मिटाने के लिए ड्राइवर और गाड़ी मालिक का शोषण हुआ, कैसे वो परेशान होते रहे, उनकी हरासमेंट होती रही। इस सिस्टम से हताश निराश आपको ये इस वीडियो में दिख रहे होंगे किस तरह से बार बार वो इस बात को कह रहे हैं कि ये भ्रष्टाचार है। उनके चेहरे से उनकी हताशा और निराशा झलक रही होगी। इस वीडियो को देखकर आपके क्या विचार हैं कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। Facebook और Twitter पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए धन्यवाद।